गांव मेरा कायमगंज था पहले, अब जहां हम रह रहे वहां लोनी में रह रहे हैं पिताजी का, लाला राम सोलंकी। लाला राम सोलंकी पहली बार आए हो? हाँ जी। अपना पूरे परिवार का नाम? पूरे परिवार था कृष्णा देवी, आशा, नागेश, लोकेश, सोनी, मोनी, अनिल और पूजा। पूनम क्या थी? और सौरभ वो गए बाद में। बच्चे का नाम शंकर। बच्चे इसमें एक तो एक औरत की अरदास आ रही है और एक काम की अरदास आ रही है। औरत देखो समझ में नहीं आया। ये परिवार की अच्छा ठीक है समझा या बीवी नहीं समझा बेटे? अरदास दो लगाई थी कहाँ पे? दरबार में अरदास जब चले थे। हाँ फोन पर? फोन पर नहीं, फोन पर नहीं। कुछ सोच के आए होगे ना? सोच का काम। हाँ। और उसी का बोल रहे हैं काम हम तो वो तो मैं बोल ही रही हूँ। और भी कुछ सोचा है भाई? घर में हुई अपनी जो परेशानी हो रही उनको हल करना मुझे बात है। घर में रोजी रोजगार सबसे पहले तो काम की बोली है मैंने, काम के नो की अरदास लगाई है। दूसरी लगाई घर की हारी बीमारी की। बोलो ये अरदास हारी है जो तू तेल लेके आया है यही लगाई अरदास? यही लगाई है। तो फिर मैंने बोला घर पे सुख शांति जो परेशानी हो रही है, काम मेरा रुक रहा है काफी टाइम से, मैं काम करने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कर्ज में दबा रहा हूँ। घर में किसी पुत्री को भी परेशानी है बेटा? बड़ी लड़की को है लेकिन दवाई खाते से है या नहीं है? तो फिर मैं वही तो बोल रही हूँ बेटे, जयकारा मेरे कोट बंगाल का। मिट्टी तो फैक्ट्री का बार बार काम आ रहा है, मिट्टी फैक्ट्री का काम आ रहा है सामने। अच्छा। उसके बारे में सोची थी क्या तुमने कि मैं अपने व्यापार में वृद्धि करूंगा और मेरा खुद का काम? चेंजिंग का तो काम मैंने काफी सोचा है लेकिन हो नहीं पा रहा, मैं करता हूँ। सोचा है ना बेटा? हाँ। तो फिर वही तो बोल रही हूँ ना बेटा, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, फिर आपको दूसरी बार में समझानी पड़ रही है। जहाँ का गांव था वो बोलो बेटा। जिला? फरुखाबाद। राज्य? राज्य बेटा जवान औरत मरी है। जवान औरत मरी हुई है घर में कोई खत्म हुई लेडी पुराने में भी पुराने कोई में। वहां से चलेगी तेरे गांव से चलेगी बेटा? पूछा चाचा तो मैं पुराने में। हाँ पहले चाचा के खत्म होंगे काफी टाइम पहले, काफी छोटे छोटे हुई थी ना बेटा परिवार है ना वो चाचा की। हाँ। चाची काम करने की तो सोचता वो उधर चलता कोई सा नहीं मिट्टी अपने पल्ले से भी गया और सिर पे और बार धर लिया खर्चे का। जयकारा मेरे कोट बंगाल का। बोल साचे दरबार की जय। चारो रास्ते बंद दिख रहे हैं बेटा, कहीं को रहा नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा फिर बैठे बैठे टेंशन हो जाती है। तो
किसको देना है। बरकत तो बेटा कुछ भी नहीं है, आता है लेकिन दिखता नहीं है, वो कहाँ लगा। जयकारा मेरे कोट बंगाल का। बोलो साची दरबार की जय हो। बेटा माँ का घर में पाठ कराओ, हाँ दुर्गा सप्तशती पाठ शुरू करवाओ। नवरात्रों के 7 दिन पाठ बैठेगा बेटा, चाहे खुद करो आप या किसी आचार्य पंडित जी से कराओ। ये कर्म कराओ, उसके बाद सारे बंधन खुल जाएंगे। जयकारा मेरे कोट बंगाल वो साचे दरबार की जय। दरबार की फेरिया भरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जयकारा मेरे कोट बंगाल का वो साचे दरबार की जय। सारे शरीर में पीड़ा किसको रहती है बेटा? वाइफ को रहती है। सारा शरीर टूटा टूटा रहता है, दर्द होता है, ऐसा जी करता है कि खाट पे पड़े रहो। काम भी जबरदस्ती से करती है बेटा, काम तो करती है जबरदस्ती से करती है बेटा, क्योंकि उससे बनता नहीं है काम, लेकिन करना पड़ता है। जयकारा मेरे कोट बंगाल जयकारा मेरे कलकत्ते धाम। जोड़ी करो जी, बड़ी सारी करो। हेलो मां, जोड़ी छोटी सी। हां जी नमस्कार। ले जयकारा मेरे कोट बंगाल वो साचे दरबार की जय। जयकारा मेरे कलकत्ते धाम वो साचे दरबार की जय। एरिया भरो 5 मिनट का रास्ता। एरिया भरो हाजरी हाजरी भरो आते रहो। माँ चाय का भोग स्वीकार करो और अपने भगत को भी पिलाओ, आप भी पियो। बोलो साचे दरबार की जय। बंद करो।